चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्शन में उससे कोई देश आगे निकले। जिस तरह से ताइवान ग्रो कर रहा है, आने वाले समय में चीनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने वाली है। पूरी खबर क्या है जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होती है। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अमेरिका, जापान जैसे देश इनकी प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ा रहे हैं। खास बात तो यह है कि ताइवान इतना छोटा देश होते हुए भी आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है। आज पूरी दुनिया में ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप्स का एक्सपोर्ट होता है। आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन की दौड़ लगी हुई है और ख़ास बात तो यह है कि भारत भी इस दौड़ का भी हिस्सा बनने जा रहा है। असल में बात यह है, ताइवान के पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन मैन पावर बहुत कम है। सो फॉर दैट रीज़न ताइवान अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में सेटअप करने जा रहा है। ताइवान इन यूनिट्स को भारत में गुजरात और आसाम में लगाएगा। इस परियोजना में करीब 91,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्ट किया जाएगा और आने वाले साल 2026 तक इन चिप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बताया जा रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 50,000 से ज़्यादा चिप्स हर दिन बनाए जाएंगे और साल में करीब 300 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जाएगा। ताइवान की इस चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है TSMC। यह कंपनी भारत में करीब 3 प्लांट्स सेटअप करेगी। पहला प्लांट गुजरात के सावंत में सेटअप किया जाएगा, दूसरा धुलेरा में सेटअप किया जाएगा और तीसरा आसाम में लगाया जाएगा। इस प्लांट को बनाने का फ़ायदा यह होगा कि इसके बनने के बाद हमारे इंडियन इंजीनियर्स को देश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें देश में ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं कि ताइवान को इससे क्या फ़ायदा है। सो जैसे कि हमने पहले बात की है कि ताइवान के पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन लेबर काफ़ी कम है। सो लेबर की कमी इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे क्वालिफाइड युवा इंडिया में ऑलरेडी है। अच्छी बात तो यह है कि गुजरात सरकार भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को फुल सपोर्ट कर रही है। इनके 2022 से 2027 की सेमीकंडक्टर नीति के चलते ही आज इतनी बड़ी कंपनी गुजरात में आ रही है। इसके अलावा अमेरिकन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रोन भी अपना प्लांट सावंत में लगाने जा रही है। यह प्लांट 2027 तक बनके पूरा हो जाएगा। इसके अलावा और कई देश जैसे कि जापान और थाईलैंड भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया में सेटअप करेगा, जैसे कि जापानीज कंपनी रेनासास इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, वही थाईलैंड की स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। यह कंपनियां 76,000 करोड़ की लागत से यूनिट को सेटअप करेगी जिसमें करीब 1.5 करोड़ चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। अनुमान यह है कि इस परियोजना से करीब 20,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलेंगे और करीब 60,000 लोगों को इनडायरेक्ट जॉब मिलेगी। यही नहीं, इस दौड़ में हमारी इंडियन कंपनी टाटा भी पीछे नहीं है। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट एंड प्राइवेट लिमिटेड, यह कंपनी 27,000 करोड़ रुपीज़ की लागत से अपना प्लांट सेटअप करेगी जिसमें करीब 5 करोड़ चिप्स का पर डे प्रोडक्शन किया जाएगा। यह परियोजना अगर सफल होती है तो भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।